हेलो, मैं नीचे खेलने के लिए आ रही हूँ। मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है। मम्मी मम्मी से क्या परमिशन लेना है? उनको तो बस इन्फॉर्म करना है। मम्मी क्या हुआ? अब मैं कैसे बोलूं मम्मा को कि मैं पढ़ के थक गई हूँ। माना कि मेरा एग्जाम है, पर मेरे को फ्रेश होने के लिए खेलने जाना है। ओ गॉड, प्लीज हेल्प मी। अब मैं मम्मा को बता के रूंगी कि मुझे खेलने जाना है। कम ऑन कम ऑन, यू कैन डू इट। एक घंटा नहीं, दो घंटा नहीं, तीन घंटा नहीं, चार घंटा नहीं, पांच घंटा खेल, ओके? ये! पर अभी नहीं, एग्जाम होने के बाद। हाँ? चलो चलो जाओ, अपनी पढ़ाई करो। दादी दादी, अरे दादी, अरे जल्दी घर की सफाई कर, कितना टाइम लगाएगी? अरे मैं तुम्हारी पोटी हूँ। रोटी रोटी नहीं चाहिए, भूख नहीं है। अरे आप पहले आपका चश्मा कान का मशीन तो पहन लो। अरे तू तो मेरी पोटी है, बोल बेटा तुझे क्या चाहिए? मम्मी मुझे खेलने नहीं दे रही है दादी, पूरा टाइम सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई। अच्छा तो ये बात है, तो फिक्र मत कर, मैं हूँ ना। इस बात की तो फिक्र है क्या? कुछ नहीं, चलो तुम पढ़ाई करो। ओके माँ, मैं जरा किट्टी पट्टी जाके आती हूँ। मिट्टी खाने जा रही है? अरे घर में इतना खाना है, खाना खा। माँ आपके कान में मशीन लगाई है? हमने फ्रेंड्स के साथ किट्टी पार्टी जा रही है। किट्टी पार्टी, ये क्या होता है? किट्टी पार्टी में सब फ्रेंड्स आते हैं, एंजॉय करते हैं और टाइम भी पास होता है। अच्छा, मैं दो तीन घंटे में जाकर आ जाऊंगी। दो तीन घंटे के लिए क्यों? तू तीन चार पांच घंटे के लिए जा। सच माँ? लेकिन अभी नहीं, मेरे पोटी के एग्जाम होने के बाद। Snoop Dogg.